आज के समय में कई तरह के फ्रॉड होते हैं। इन फ्रॉड में से एक फ्रॉड आधार कार्ड से जुड़ा है। आप जानते हैं आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है। सरकार ने मोबाइल नंबर से लेकर पैन कार्ड हो या फिर वोटर आईडी कार्ड, सबके लिए आधार को लिंक करवाना अनिवार्य कर रखा है। कई सरकारी काम हो या फिर गैर सरकारी काम हो, आधार कार्ड का इस्तेमाल होता ही है। जब इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा होता है तो जाहिर है इसके जरिए फ्रॉड होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन चिंता ना करें, इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए अब आप अपने आधार कार्ड और साथ ही अपने बायोमेट्रिक डिटेल्स को लॉक कर सकते हैं। ये एक तरह से आपके आधार कार्ड को डबल सिक्योरिटी देगा। आइए समझते हैं ये कैसे काम करेगा। आधार कार्ड में मौजूद आधार नंबर एक यूनिक नंबर है। इसमें आपके बायोमेट्रिक डिटेल्स, उंगलियों की छाप, आंखों की पुतलियों का स्कैन और फोटो होती है। ये सभी जानकारियां गोपनीय हैं। क्यों? ये सभी जानकारियां गोपनीय होती हैं। कोई भी व्यक्ति आपके परमिशन के साथ ही आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करता है बिना आपकी परमिशन के, तो आपको वित्तीय नुकसान के साथ साथ कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। इनसे बचने के लिए क्या करना होगा, चलिए समझते हैं। आधार को लॉक अनलॉक करने के लिए आप मैसेज या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, UIDAI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, चलिए बताते हैं। आपको पहले मैसेज का तरीका समझाते हैं। आपको अपने फोन से गेट OTP लिखकर स्पेस देकर अपने आधार नंबर के अंतिम 4 या फिर 8 अंकों को लिखकर 1907 पर मैसेज करना है। इसके बाद आपके अपने फोन पर OTP आ जाएगा। इसके बाद आपको लॉक UID लिखकर स्पेस देना है और आधार के अंतिम 4 या 8 अंकों को लिखकर फिर से स्पेस देकर OTP लिखकर 1947 पर मैसेज भेज देना है। बस इसके बाद आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि आपका आधार लॉक हो चुका है। यही सेम प्रोसेस आपको आधार को अनलॉक करवाने के लिए भी अपनाना होगा। UIDAI की वेबसाइट पर आपको माई आधार टैब पर जाना होगा और आधार लॉक अनलॉक पर क्लिक करना होगा। लॉक UID चुने और अपना आधार नंबर, पूरा नाम और पिन कोड आप वहां पर दर्ज कर दें। इसके बाद आपके मोबाइल फोन पर एक OTP आएगा और उसे भी आपको फिर दर्ज करना होगा और बस आपका आधार कार्ड यहां लॉक हो जाएगा। ध्यान रहे, किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए या फिर आपके आधार को खो जाने पर आपको उसे लॉक करा देना ही समझदारी की बात है। इसके अलावा अनलॉक करने के लिए भी लॉकिंग के दौरान मिले 16 अंकों की वर्चुअल आईडी की आवश्यकता होती है और ये वर्चुअल आईडी बहुत जरूरी होती है। लॉक और अनलॉक दोनों के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP बहुत जरूरी होता है। तो ये 3 बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड जब लॉक होता है तब एक स्पेसिफिक कोड के साथ लॉक होता है। ऐसे में अगर कोई आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करता है तो आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, यानी किसी भी तरह की धोखाधड़ी पर आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए कि आपका आधार खो जाए या चोरी हो जाए, तो आप उसे लॉक जरूर करवा दें।